नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, 5 डेली क्वेश्चन सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। दोस्तों, इन क्वेश्चनों के बारे में आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, ये मैंने इस तरह से छांटे हैं ताकि आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। ये क्वेश्चन जो है बीएससी नर्सिंग, बीएससी बायो, बीएससी एजी तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जब आप इसको, इन क्वेश्चनों को आप जब देखेंगे, जब मैंने बताऊंगा, तब आपको रियलाइज होगा कि ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट्स हैं और ये कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है वो कुछ कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करता है। हमारा जो चैनल है वो बीएचयू बीएससी एजी, बीएचयू बीएससी बायो, बीएचयू बीएससी मैथ और बीए आर्ट्स एंड सोशल, बीए एलएलबी और एलएलबी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करता है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं चाहूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मुझे आपको बताने में आसानी हो, क्योंकि मैं इनको फिर वापस मिटा दूंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पांचों क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये हमारा कितने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाता है, हमारा कौन सा टॉपिक जो है ये कवर कर पाता है। तो देखते हैं, हम सबसे पहले मैं जो ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, विच टेक्निक इज सुटेबल फॉर द फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवम बट कैन प्रोवाइड ए सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप समझ ही गए हैं, ये 12th का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां से लिया गया है। ये क्वेश्चन हमेशा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन लिया जाता है और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार रिपीट हुए, कई तरह के एग्जाम में रिपीट हुए, इसलिए इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और क्योंकि ये क्वेश्चन कोई रटने का नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको ये चीज़ें आनी भी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, इसके हर एक ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर एक ऑप्शन इसका कब और किस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर इसका जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक जो फीमेल है, हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए फीमेल तो समझ ही रहे होंगे, मादा है ना, एक जो फीमेल है वो ओवम जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, मतलब अंडाणु जो है वो अंडाणुओं का मोचन नहीं कर सकती, पर वो जो है फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो भी फीमेल्स होती हैं उनमें जो है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये देखिए मैं सबसे पहले ये बनाता हूं यूट्रस, ठीक है दोस्तों, ये मैं यूट्रस में बना रहा हूं। ठीक है, ये यूट्रस है, ठीक है, यहां पे, और ये जो है हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है दोस्तों, ठीक है, और इस जगह पे जो है ओवेरी यहाँ पे जुड़ी होती है, ओवेरी जुड़ी होती है। तो ये जो ओवेरी है, ओवेरी से जो है ओवम रिलीज होता है, ये ओवेरी है, ओवेरी से ओवम रिलीज होता है, और ये जो एम्पुला, हम इस जगह को एम्पुला बोलते हैं, जहाँ पे ये उभरा हुआ फूला हुआ आपको नजर आ रहा है, इसे एम्पुला बोलते हैं, और ये यूट्रस है। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है दोस्तों, वो फेलोपियन ट्यूब में होती है, ये पूरा फेलोपियन ट्यूब है, दोनों तरफ होता है। हम जब बात करते हैं फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो होता क्या है दोस्तों, दोनों ओवरी से एक महीने इस ओवरी से ओवम निकलता है, दूसरे महीने इससे निकलता है, ठीक है। तो ये बारी बारी से एक अल्टरनेट इन दोनों ओवरी जो ओवम प्रोड्यूस करती है। तो जो ओवम है वो यहाँ पे वेट करता है स्पर्म का, और इसी जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है आगे की प्रोसेस क्लीवेज होते हुए, आप जानते हैं जो बाद में जो एम्ब्रियो बनेगा वो जाकर के इस जगह पे अटैच होता है, ठीक है, वो ओवरी में, सॉरी
वो यूट्रस में अटैच होता है। तो ये हमारा यूट्रस है, यहाँ पे वो अटैच होगा। तो आप जान रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ हो रही है। तो यही सबसे पहले तो हम ये डायग्राम अपने दिमाग में ले आते हैं, उसके बाद अब हम जानते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फीमेल जो है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये चार जो टेक्नोलॉजी है इसमें से किसका यूज करना पड़ेगा ताकि वो जो दंपत्ति है वो अपने संतति का सुख प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले है ZIFT, ठीक है ना, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो जायगोट, जायगोट कैसे बनेगा दोस्तों? जायगोट बनने के लिए आप जानते हैं दो गैमेट की जरूरत होगी, एक ओवम और दूसरा स्पर्म। जब ओवम के न्यूक्लियस में स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो जाकर के जब इसे फर्टिलाइज करेगा, तब जाकर के जो प्रोसेस होगी, जब जो जो हमारे पास जो संरचना बनेगी, जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसे हम जायगोट कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जायगोट जो होता है, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जायगोट जो है वो किस में चेंज होता है? जायगोट जो है दोस्तों ये किस में चेंज होता है? मोरूला में। मोरूला किसे कहते हैं दोस्तों? मोरूला कहते हैं जो, जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल स्टेज है, जब दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए तब ये वन सेल स्टेज है। ये आगे जाकर के डिवाइड होती है, फर्दर डिवाइड होकर टू सेल स्टेज बनाती है, फिर ये आगे दो से चार, चार से आठ, ऐसे बनते जाते हैं। तो मोरूला जो होता है दोस्तों वो 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, मतलब ब्लास्टोमियर आप किसको कह रहे हैं? नंबर ऑफ सेल्स को, है ना। तो नंबर ऑफ सेल्स जब 8 to 16 हो जाएंगे तो ब्लास्टोमियर हम उसे कह रहे हैं। तो इस स्टेज को मोरूला बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज 16 सेल से जब पार हो जाता है तो उसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। वही स्टेज जो है यहां जाकर के अटैच होती है हमारे यूट्रस से, ठीक है। उसके बाद के स्टेज को हम गैस्ट्रुला बोलते हैं। उसके उतना आगे हम नहीं जाएंगे, हम जो लौट करके अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो जायगोट तक ही हमें सीमित रखना है। तो जायगोट आपके किस कब बनता है दोस्तों? जब फर्टिलाइज कर देगा तब, ठीक है। जब ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा तब हम उस स्टेज को जायगोट बोलते हैं। तो ये हमें क्या कह रहा है? तो जायगोट को हम कब ट्रांसफर करेंगे? उसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा सीधा हमारा? ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि जो वो फीमेल जो है वो ओवम तो प्रोड्यूस कर रही है पर सुटेबल एनवायरमेंट नहीं दे पा रही है, तब हम उस केस में जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर करते। क्यों? क्योंकि जो हम हैं इन विट्रो फर्टिलाइज करते, क्योंकि मान लीजिए जो फीमेल है उसके अंदर सुटेबल एनवायरमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे हम? सुटेबल एनवायरमेंट हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे? बाहर, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो आप जानते हैं वो, तो हम वो सुटेबल एनवायरमेंट बाहर ही प्रोवाइड करेंगे। ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि जायगोट जो है प्रोड्यूस हो पाए, जायगोट जो है आगे उसका क्लीवेज हो पाए, और तब हम उस जायगोट को क्या करते हैं? जब जायगोट पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, मतलब जायगोट पूरी तरह तैयार हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, तब हम उस जायगोट को क्या है यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जो अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो भी जो है आगे प्रोसीजर जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनवायरमेंट अंदर का वैसा नहीं है कि जायगोट वहाँ पे डेवलप हो सके। तो जायगोट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उस केस में जब फीमेल जो है ओवम तो प्रोड्यूस करे पर एनवायरमेंट जो है उसका सुटेबल ना हो जायगोट के लिए, तब उस दौरान हम जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम हमारा जो आंसर है हमें अभी नहीं मिला। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओवम जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है पर एनवायरमेंट दे रही है। तो अब ओवम क्या है दोस्तों? ओवम क्या है? गैमेट ही तो है। ओवम या स्पर्म हम अगर अलग अलग बात करें तो क्या है? गैमेट है। पर अगर दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? जायगोट, ठीक है। लेकिन हम अगर दोनों को अलग अलग लें तो दोनों क्या है? गैमेट है। तो ओवम जिस केस में अगर वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो उस केस में हमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा? हमें क्या करना होगा? किसी डोनर फीमेल समझ रहे हैं, कोई दूसरी लेडीज, ठीक है। अगर एक लेडीज जो है ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? किसी दूसरी लेडीज का जो है ओवम ले करके और यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब में। तो इसका दोस्तों पूरा फुल फॉर्म भी यही होता है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो ओवम क्या है? गैमेट है। हम किसी डोनर लेडीज से वो ओवम ले करके और जिस लेडीज को संतति की चाह है, बच्चे की चाह है, उसके फेलोपियन ट्यूब में हम उस गैमेट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, लेकिन
जो फर्टिलाइजेशन होगा वो दोस्तों कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन इन विवो होगा। इन विवो मतलब इन विवो और इन विट्रो, आप दो चीजें जानते होंगे, इन विवो मतलब उसी जगह उसी स्थान पे, और इन विट्रो मतलब बाहरी बाह्य स्थान पे, है ना, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गैमेट ट्रांसफर कर रहे हैं। गैमेट हमने ट्रांसफर किया, तो गैमेट को जब हमने ट्रांसफर किया तो यहीं पे गैमेट, यहाँ पे हमने किसी डोनर लेडीज से ओवम लेकर के यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, और फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो है इसे जा करके फर्टिलाइज कर देगा। तो फर्टिलाइजेशन जो है इन विवो होगी, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। और क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह ही रहा है कि उसका जो एनवायरमेंट है वो सुटेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो इजिली यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ था, क्योंकि जो फीमेल हैं उनका एनवायरमेंट अंदर का नहीं है, वो क्या कर रही है, ओवम तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन उसका एनवायरमेंट सही नहीं है। तो इस कारण हम क्या करते हैं, उसी लेडीज का ओवम लेकर के और उसके हस्बैंड का स्पर्म लेकर के हम बाहर जो है इन विट्रो कंडीशन में उसे फर्टिलाइज करवाते हैं। मतलब वो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बाहर हम फर्टिलाइज करके फ्यूज करा के जायगोट फॉर्म करते हैं, उस जायगोट का ट्रांसफर करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को, दोनों ऑप्शन को आप ढंग से समझ लीजिए, अक्सर कंफ्यूज करता है और हमेशा गलतियां हो जाती हैं इन दोनों ऑप्शन में। तो कब कौन सा ऑप्शन सही होगा, कब कौन सा आंसर आपका सही होगा, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया कि कब आपको किस आंसर के साथ जाना है, ठीक है। इसी के साथ ये कंफर्म हो गया कि इसमें हमारा जो आंसर क्या है ये सेकंड जाएगा, क्योंकि ओवम हमें, ओवम जो है लेडीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है और पर उसका एनवायरमेंट सही है, तो सिर्फ हम अगर ओवम उसे दे दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम सिर्फ उसे गैमेट ट्रांसफर करेंगे, तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन पे अब हम चलते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या कहता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी तक मैंने दोनों ऑप्शन में आपको क्या बताया कि फेलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, पर यहां क्या है कि कह रहे हैं हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, है ना, यूट्रस में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यूट्रस में हम कब करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था जो मोरूला जो स्टेज होती है वो 8 to 16 सेल स्टेज होती है। अगर इस सेल स्टेज तक हमने अगर बाहर तैयार किया है, इन विट्रो कंडीशन में हमने अगर जायगोट को तैयार किया है, तो उसको जो हम ट्रांसफर करते हैं वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर 16 स्टेज से ज़्यादा हो गया, अगर नंबर ऑफ सेल्स 16 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस स्टेज में हम क्या करते हैं, उस स्टेज में हम उसे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल चुका है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि थर्ड ऑप्शन नहीं जाएगा। थर्ड ऑप्शन कब जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया, जब नंबर ऑफ हमें सेल्स क्या हो, 16 से ज़्यादा हो और जो फीमेल हो उसका कंडीशन सही नहीं हो, उसका एनवायरमेंट सही नहीं हो अंदर का, तब हम ये चीज़ अपनाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आ गया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। ये कब यूज होता है दोस्तों, ये यूज होता है जब जो जेंट्स है, जो मतलब हस्बैंड है, जो मेल है, ठीक है, जो मेल है, अगर उसके स्पर्म, उसके उसके इजेकुलेट किए हुए स्पर्म्स जो है की काउंटिंग बहुत ही कम है, या फिर वो उतने सक्षम नहीं है कि वो वेजाइना यूट्रस सबको पार करते हुए फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए और ओवम को फर्टिलाइज कर पाए, अगर वो इस काबिल नहीं है उसके स्पर्म्स, तो उस केस में हम ये टेक्निक अपनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ओवम के सीधा हम लोग आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से हम स्पर्म्स को, मतलब गैमेट्स को क्या करते हैं, सीधा ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम इसीलिए पड़ा है दोस्तों, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम उस ये टेक्निक अपनाते हैं। तो इसी तरह से अब चारों जो ऑप्शन है आपके क्लियर हो गए होंगे, और इस चैप्टर का ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया है जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें से आपका, इन चारों में से क्वेश्चन कभी ना कभी किसी के ऊपर पूछा जाता है, मोस्टली फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो आप ये ध्यान रखें। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम लोग क्लियरली सेकेंड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये क्या कहता है,
ये कहता है हमें दोस्तों बायलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है एंड सिलोमेट एनिमल है। ठीक है, इसने हमें 1, 2, 3, 4 चीजें दे रखी है कि सिमेट्री दे रखी है हमें इसने, है ना, इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक बता रखा है, ये बता रखा है कि उसमें सेगमेंटेशन पाया जा रहा है, और ये भी बता रखा है कि वो एनिमल क्या है, सिलोमेट है। तो हमसे पूछ रहा है, इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमसे पूछ रहा है ये चारों में से कौन सा पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं अलग अलग चीजों पे बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहले क्योंकि इसने सिमेट्री दे रखी है तो मैं सिमेट्री पे बात करता हूं। तो सिमेट्री कौन कौन सी होती है दोस्तों, ठीक है, रेडियल, रेडियल जो है सिमेट्री आपको, एक तो देखिए दोस्तों हम एक पूरा ये क्वेश्चन एनिमल एनिमल किंगडम से है, तो एक आप जानते हैं एक सीरीज है पूरी जो हम एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रोटोजोआ, उसके बाद दोस्तों होता है पोरीफेरा, उसके बाद दोस्तों होता है सीलेंट्रेटा या निडेरिया, ठीक है, सीलेंट्रेटा या निडेरिया एक ही बात हुआ, दोनों एक ही फाइलम है। उसके बाद होता है हमारा दोस्तों प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर होता है हमारा प्लेटीहेलमेंथीज, फिर होता है हमारा स्केलमेंथीज, उसके बाद आता है दोस्तों एनेलिडा, फिर आता है दोस्तों ऑर्थोपोडा, फिर आता है दोस्तों मोलस्का, फिर आता है दोस्तों इकाइनोडर्मेटा, फिर आता है दोस्तों हेमिकॉर्डेटा, और फिर आता है दोस्तों कॉर्डेटा। ठीक है, इस तरह हम पूरे फाइलम को पढ़ते हैं इस सीरीज में। तो ये जो है सबसे कम डेवलप है, कॉर्डेटा जो है सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं, तो इसी बेसिस पे हम पढ़ते हैं। तो ये हाँ जो चारों चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा, बस आप एक सीरीज याद करके रखिए कि इस सीरीज में ही आपको पढ़ना है ये चीज। तो सबसे पहले बायलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए पोरीफेरा में तो कोई सिमेट्री ही नहीं पाई जाती, ठीक है, ये इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। बात रही सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा की, तो इसमें क्या होती है दोस्तों, रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, और यही रेडियल सिमेट्री दोस्तों इकाइनोडर्मेट्स में भी पाई जाती है, ये सेम चीज दोस्तों इसमें भी पाया जाता है। बस इसमें थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना होता है जो कि हमारी बुक में आपको लिखा हुआ काफी बोल्ड लाइन में मिल जाएगा, इकाइनोडर्मेट्स के जो लार्वा होते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, बाकी जो उसके एडल्ट्स होते हैं उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। उसके अलावा दोस्तों जितने भी हैं प्लेटीहेलमेंथीज से कॉर्डेटा तक सभी क्या होते हैं दोस्तों, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का एक तरीका बताऊंगा, कैसे हम क्वेश्चन को काटते चले जाएंगे, ऑप्शंस को अपने कैसे छांटते चले जाएंगे। देखिए तो सबसे पहले देखिए, हाँ, और इसके साथ ही आपको जो ये सीरीज है इसके साथ जो इसके जो एग्जांपल्स हैं कम से कम जो एनसीईआरटी में दिए हुए वो एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए कि कौन सा एग्जांपल किस फाइलम का है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो मेरे को मैंने आपको बता दिया ये चीज आप याद रखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे हम ऑप्शन छांटेंगे। उसके बाद आते हैं हम सर अपने कि ये इसने क्या बताया हमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बताऊं मैं आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, तो प्लेटीहेलमेंथीज से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। ठीक है ना, उससे पहले डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और प्लेटीहेलमेंथीज से कॉर्डेटा तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा याद, बस आपको एक सीरीज याद है तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, वरना आप एक एक फाइलम याद करेंगे कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इस तरह से याद करेंगे तो सारी चीजें आपकी मिक्स्ड हो जाएंगी और समझ नहीं पाएंगे, आप आसान तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो ये प्लेटीहेलमेंथीज से कॉर्डेटा तक सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है सेगमेंटेशन पाए जा रहे हैं दोस्तों। तो सेगमेंटेशन मैं बता दूं आपको दोस्तों, सेगमेंटेशन मिलता है एनेलिडा में, ये सेगमेंटेड होते हैं बाकी सेगमेंटेड नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी सेगमेंटेड नहीं होते। ऑर्थोपोडा के कुछ एग्जांपल हैं, मतलब ऑर्थोपोडा का बस एक क्लास है जिसमें कि सेगमेंटेशन पाया जाता है, बाकी अगर हम सिर्फ फाइलम की बात करें तो सिर्फ एक एनेलिडा फाइलम है जिसमें पूरा का पूरा सेगमेंटेशन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हमें और क्या दिया है, सिलोमेट। सिलोमेट क्या होता है दोस्तों, सिलोम जानते हैं आप, सिलोम क्या होता है, हमारी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारी बॉडी वॉल है और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बीच में अगर कैविटी पाई जाती है तो उसे सिलोम बोलते हैं। ठीक है,
ये हमारी बॉडी वाले बाहर वाली और अंदर वाली क्या है, हमारी एलिमेंट्री केनाल है, इसके बीच में स्पेस होता है। हमारा जो बॉडी का वाल है और अंदर जो मेरी एलिमेंट्री केनाल गई हुई है उसके बीच में कैविटी है, तो उसी को सिलोम बोला जाता है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं तो प्रोटोजोआ से प्लेटीहेलमिंथिस तक सारे क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं, ठीक है, ए सिलोमेट होते हैं, मतलब इनमें बॉडी वाल और एलिमेंट्री केनाल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, कोई कैविटी नहीं होती, ये पूरा पूरा भरा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, ए सिलोमेट होते हैं। फिर हम बात करें अगर स्केलमेंथीज की, तो वहां क्या होता है दोस्तों, वहां कैविटी होती है पर बिखरी हुई होती है, मतलब बीच बीच में कहीं कहीं, ये देखिए यहाँ कैविटी होगी बीच बीच में लेकिन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से कैविटी कंप्लीट कैविटी नहीं होता है, तो उसे हम स्यूडो सिलोमेट बोलते हैं दोस्तों। तो स्यूडो सिलोमेट का इकलौता एग्जांपल क्या है दोस्तों, स्केलमेंथीज, ठीक है। उसके अलावा एनेलिडा से कॉर्डेटा तक सारे सिलोमेट होते हैं दोस्तों, ठीक है, सारे सिलोमेट होते हैं एनेलिडा से नीचे तक कॉर्डेटा तक सारे सिलोमेट होते हैं। तो ये मैंने चारों चीजें आपको बता दी। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन के साथ, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या कहता है, पहला ऑप्शन है दोस्तों स्टारफिश। तो सबसे पहले आप दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि स्टारफिश किसका एग्जांपल है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेट्स का एग्जांपल है, तो इकाइनोडर्मेट्स का, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेट्स में हम देखेंगे क्या बायलैटरल सिमेट्री होती है, इकाइनोडर्मेट्स में क्या बायलैटरल सिमेट्री होती है, नहीं दोस्तों रेडियल सिमेट्री होती है, क्योंकि इसने लार्वा या एडल्ट की बात नहीं की है, तो हम एडल्ट का ही केस लेके चलेंगे, जनरल केस लेके चलेंगे, और वहां रेडियल सिमेट्री होती है। तो इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों बाहर हो जाता है। अगर आपको सिर्फ सिमेट्री पता थी तो आपने एक ऑप्शन काट के हटा दिया कि स्टारफिश तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। फिर हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा है पाइला। पाइला क्या है दोस्तों, पाइला एक मोलस्क है, ठीक है, मोलस्का फैमिली से आता है। क्या हम उसमें देखते हैं, क्या उसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी, बिल्कुल पाई जाएगी दोस्तों। मैंने बताया आपको प्लेटीहेलमिंथीस से कॉर्डेटा तक सभी में बायलैटरल सिमेट्री होगी, तो इसमें भी बायलैटरल सिमेट्री होगी, तो यहां तक तो पाइला हमारा आंसर हो सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जी हाँ दोस्तों मैंने बताया आपको प्लेटीहेलमिंथीस से कॉर्डेटा तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये भी एक ट्रिप्लोब्लास्टिक का आंसर हो सकता है। फिर इसने बोला सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन मैंने दोस्तों आपको बताया सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, एनेलिडा में, तो यहीं से हमारा आंसर मिल जाता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पता था कि इस क्वेश्चन में कि सेगमेंटेशन बाकी चीजें नहीं पता थी, तो आप सीधा सीधा आंसर लगा सकते थे। एनेलिडा का जो भी हमारा ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन में हमारा जो भी एग्जाम्पल जो है होगा एनेलिडा फाइलम से रिलेटेड, वही हमारा सही आंसर होगा। तो क्योंकि मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन है स्कैरिस। स्कैरिस भी किसका एग्जांपल है दोस्तों, स्केलमेंथीज का एग्जांपल है, तो उसमें भी बाकी दोनों चीजें तो पाई जाएगी पर सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा, बाकी दोनों क्या तीनों ही, ठीक है। मैंने स्केलमेंथीज क्या होता है, स्यूडो सिलोमेट होता है, तो उसमें जो है ये फोर्थ जो चीज है हमारी, ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है, जबकि मोलस्का में क्या है, तीन चीजें एप्लीकेबल है और सिर्फ सेगमेंटेशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे चारों चीजें पूछा, चारों किस में पाया जाएगा। तो इसी के साथ ही हम अपने फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, सिल्क वॉर्म। जी हाँ दोस्तों यही हमारा आंसर है, सिल्क वॉर्म किससे रिलेटेड है, एनेलिडा से। तो एनेलिडा का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कि सिल्क वॉर्म एक एनेलिडा का एग्जांपल है, और ये आपके चारों क्राइटेरिया को जस्टिफाई भी करता है। बायलैटरल सिमेट्री होती है एनेलिडा में, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं एनेलिडा, सेगमेंटेशन भी पाया जाता है एनेलिडा में, और एनेलिडा सिलोमेट्स भी होते हैं। तो इसी के साथ ही जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा आंसर चला जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देख रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, Which of the following is correct for F2 generation of dihybrid cross? ठीक है, Which of the following is correct for F2 generation of dihybrid cross? ठीक है, dihybrid cross से आप monohybrid और dihybrid cross से दोस्तों क्या समझते हैं? Monohybrid cross जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक trait लेके चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक लक्षण लेके चलेंगे। अगर हम किसी फ्लावर का कलर ले रहे हैं तो सिर्फ हम कलर लेके चलेंगे, या फिर हम उसकी लंबाई लेके चल रहे हैं तो लंबाई लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम दो चीजें, उसके दो गुण एक साथ लेकर के चलते हैं, उसके दो लक्षणों को देखते हैं,
दो ट्रेड्स को देखते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड। ठीक है, उस क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड में सबसे पहले फर्क पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हुआ F2 जनरेशन, तो उससे पहले हमें F1 जनरेशन जानना होगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों करते क्या है, जब मैं नॉर्मल मेंडल लॉ को फॉलो करते हुए मैं बताता हूं, अगर सिर्फ मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं एक लक्षण ले रहा हूं, तो अगर हम लंबेपन को लेते हैं तो हम सबसे पहले पेरेंट्स कैसे लेते हैं, जो प्योर लंबे हो। ठीक है, प्योर लंबे और प्योर ड्वार्फ। ठीक है, तो आपको याद होगा जो हम लंबे, अगर कोई लंबा है और कोई बौना है तो दोनों में क्या करते हैं, हम लंबेपन को एक उसके ऊपर डोमिनेंट मानते हैं बौनेपन के ऊपर। तो जिस चीज को हम डोमिनेंट मानते हैं उस चीज को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जिस चीज को हम डोमिनेंट नहीं मानते हैं उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो इसी तरह हमने मोनोहाइब्रिड, ये जो पेरेंट्स होते हैं दोस्तों ये प्योर होते हैं, और ये कहाँ से लिए जाते हैं, जंगलों से। ठीक है, ये किसी, इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होगी, मतलब इसमें मिक्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये प्योर मिलेंगे। जो लंबा है वो प्योर लंबा है और जो बौना है वो प्योर बौना है। ठीक है, तो उसके बाद हम इनका क्रॉस करवाते हैं। तो आप यहाँ से जो गैमेट्स मिलेंगे हमें सिर्फ टी और डी मिलते हैं, और यहाँ से जो गैमेट्स मिलते हैं हमें टी और डी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने देखा होगा। तो अगर ये दोनों का आपस में क्रॉस होता है तो ये जो बनता है टी टी सिर्फ बनेगा दोस्तों, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और कोई दूसरा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम F1 बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। अब इस F1 जनरेशन का अगर दोबारा से क्रॉस करवाया जाता है तो जो जनरेशन हमें मिलती है उसे हम F2 जनरेशन बोलते हैं। तो ये आपको F1 और F2 समझ में आ गया। अब हम सीधा सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है उसने हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, और उसमें हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस को लेते हुए पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, इसने जो क्वेश्चन ने हमें दिया है ये सीधा सीधा पता चल रहा है YR क्या, आपने अगर अपनी बुक एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो इसमें सीधा सीधा जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, उसके साइज, उसके शेप और उसके कलर को लिया है। ठीक है, तो जो बीज होता है उसमें दो कलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से दो कलर हैं, कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है, और कैपिटल वाई जो है वो येलो कलर के लिए इफेक्टिव है। ठीक है, और स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन के लिए। तो येलो कलर जो है वो ग्रीन पे डोमिनेंट करेगा, मतलब अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ आ गया तो स्मॉल वाई की बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर होगा वो बिल्कुल सामने नहीं आएगा, और सामने आपके क्या आएगा, येलो कलर। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों दो चीजें भी होती है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, अगर आपको किसी ने ये बता दिया कि ये जो है प्लांट है इसका जो जीन है ये वाई वाई है और ये येलो है, ठीक है, और ये जो प्लांट है ये जो है ये भी येलो होगा, और ये जो प्लांट है ये ग्रीन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप भी थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो देखो ये दोस्तों जीन्स जो हैं उसके जीन, किसी भी पेड़ के जीन क्या हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, जब तक आप उस पर टेस्ट नहीं करते तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उसका जीन क्या है। आपको सिर्फ क्या दिखेगा, प्लांट का कलर। तो ठीक है, जो दोस्तों आपको सामने से दिख रहा है, जो आपने देख रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे फिनोटाइप कहते हैं, और जो हम नहीं देख पा रहे हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका जीनोटाइप और ये हो गया फिनोटाइप। तो आप जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ क्या है, फिनोटाइप है। तो हम फिनोटाइप के बेस पे ही टेस्ट कर करके पता लगाते हैं कि इसका जीन क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे कैपिटल वाई जो है येलो कलर के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए। इसी तरह से अगर मैं शेप की बात करूँ, सीड के शेप की बात करूँ, तो कैपिटल आर जो है वो राउंड के लिए, राउंड सीड के लिए है होता है, और ये भी स्मॉल आर पे डोमिनेंट है, ये राउंड शेप के लिए होता है और स्मॉल आर पे ये डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो जिसका स्मॉल आर होगा वो राउंड शेप में वो सीड नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम दोनों क्रॉस लेते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है दोस्तों, ठीक है, अब हमें F2 में पूछा है, तो सबसे पहले तो हमें F1 बनाना होगा दोस्तों। तो F1 में हम क्या करें, दोनों वो पेड़ लेंगे, वो प्लांट लेंगे जो दोनों के लिए शुद्ध हो। सबसे पहले आपको क्या लेना, पेरेंट्स लेने, बिल्कुल प्योर लेने, उसमें किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं प्योर लूंगा तो मैं कैपिटल वाई कैपिटल आर लूंगा, और फिर उसका क्रॉस मैं कराऊंगा शुद्ध बौने से, तो शुद्ध बौना सॉरी तो दूसरे से कराऊंगा, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों स्मॉल लेटर में होंगे। अब इसमें से हमारे पास जो दोस्तों, जब ये कैपिटल वाई स्मॉल और कैपिटल आर, यहाँ से अगर हम गैमेट बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की गैमेट पॉसिबल है ये, और यहाँ से अगर आप गैमेट बनाएंगे तो सिर्फ एक टाइप की गैमेट पॉसिबल है ये। ठीक है, तो
तो ये आपस में जब क्रॉस करेंगे तो ये आपको क्या मिल गया दोस्तों, ये मिल गया, ये क्या हो गया दोस्तों, F1 हो गया, ये F1 हो गया। पर उसने हमसे F1 नहीं पूछा है, ठीक है दोस्तों, उसने हमसे F1 नहीं पूछा है। तो उसमें अब जो ये प्लांट होगा दिखने में कैसा होगा, ये हूबहू इस प्लांट के जैसा होगा, ये इस प्लांट के जैसा नहीं होगा, क्योंकि क्या इसमें डोमिनेटिंग जो जीन है वो कैपिटल वाई स्मॉल और कैपिटल आर है। तो ये F1 का जो प्लांट है वो दिखने में आप जब देखेंगे तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि उसके जीन्स थोड़े डिफरेंट है। अब हम इसका जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, F2 जनरेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हम देख ले यहां से, तो जब हमने इन दोनों का क्रॉस करवाया तो सिर्फ हमें एक एक टाइप के गैमेट मिले थे, और जब हम उन दोनों को मिलाया तो हमें ये मिला। लेकिन यहां से हम देखते हैं कितने टाइप के गैमेट्स पॉसिबल है दोस्तों। यहां से जब हम देखेंगे तो क्या क्या पॉसिबल दोस्तों, ये हो सकता है कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ आ जाए, ये भी हो सकता है कैपिटल वाई जो है स्मॉल आर के साथ आ जाए, ये भी पॉसिबल है कि स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल आर के साथ आ जाए, और ये भी पॉसिबल है स्मॉल वाई जो है स्मॉल आर के साथ आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास चार तरह के गैमेट बने दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे पास चार तरह के गैमेट बने दोस्तों। अब हम इसका आपस में जब क्रॉस कराएंगे दोस्तों तो हमें जो जनरेशन मिलेगी उसे हम F2 जनरेशन कहेंगे। तो ये हम क्या करते हैं, आप जानते हैं पुनेट जो है, पुनेट स्क्वायर हम बनाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर लेंगे। इसी तरह से यही सेम सीरीज हम यहां भी लेंगे दोस्तों, यहां भी लेंगे, और इसी के साथ जब हम इसका आपस में क्रॉस कराएंगे, इसका पहले इससे कराएंगे, इसका पहले फिर इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, इसी तरह इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसी तरह जब हम करवा करके देखेंगे पूरा तो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों मैं आपको 2-3 बना करके देख रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, सारी चीज़ें के लिए हमारे पास वीडियो का लेंथ जो है दोस्तों थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से मैं 2 का आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, समझ रहे हैं दोस्तों। ये मैंने इसका इससे क्रॉस कराया है, फिर इसका इससे करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं पूरा कंप्लीट कर ही देता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम कंप्लीट जो है इसे तैयार करके देख लेंगे। तो यहां जो हमारी जो जनरेशन होगी दोस्तों, ये जो जनरेशन बनेगी एक सारी क्या है, F2 है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी टोटल डायहाइब्रिड क्रॉस हमारा तैयार हो चुका है दोस्तों। तो इसमें आपको ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में आपको चार तरह की चीज़ें दी गई हैं, कैपिटल वाई आर आर, सारे ऑप्शन में देखिए ये चीज़ें ही कॉमन है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये चीज़ें आपको दोस्तों ढूंढनी है, ये कितनी है, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर देखिए दोस्तों कितना आपको दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ एक दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे पूछा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है दोस्तों, कैपिटल वाई एक ये मिल गया, और दूसरा दोस्तों और कहीं दिख रहा है आपको, और कहीं दिख रहा है दोस्तों, देखिए एक बार ध्यान से देखिए, ये मिल गया दोस्तों 2। तो ये कितने मिले, 1, और ये कितना मिला, 1, और ये कितना मिल गया, 2।
इसी तरह से आप स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को ढूंढेंगे दोस्तों, तो ये आपको इनमें चार मिलेंगे। और नहीं, ये जो है दोस्तों इसको एक बार ढूंढ लेते हैं कि स्मॉल वाई और कैपिटल स्मॉल आर, तो स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तो ये मिला दोस्तों और एक ये मिला, ये भी दो ही मिले दोस्तों, ठीक है, ये दो मिले। और इसी तरह हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इसको ढूंढते हैं, तो ये हमें एक फिर दो तीन और ये चार मिला दोस्तों हमें, ये चार। तो इसी तरह से जो ऑप्शन है हमारे, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब इसमें हमें ये F2 जनरेशन बनाने के बाद यही पूछा था कि किसकी संख्या कितनी है, तो ये वाले जीन की संख्या एक है, इसकी दो है, इसकी भी दो है और इसकी चार है। तो इसी के साथ हम अपना ऑप्शन जो है वो मैच कर लेंगे कि किस में सही आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है, उसमें सही संख्या दी गई है। तो ये हमारा जो दोस्तों है थर्ड नंबर क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ हम चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन हमारा दोस्तों वो हमसे क्या कहता है वो हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी से वापस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, क्लास 11 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर हमसे कह रहा है विच वन इज पॉसिबल ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में आपको दो बता देता हूँ, दो चीजें होती है। सबसे पहले मसल्स की हम बात करते हैं, मसल्स में हम स्केल्टल मसल्स की बात करते हैं, जो हम चलते फिरते नाचते गाते कूदते फांदते किसके कारण है, स्केल्टल मसल्स के कारण। स्केल्टल मसल्स में क्या होता है, मसल्स किसके बने होते हैं, मसल्स के जो है फाइबर के बंडल के बने होते हैं। उसमें से हम फाइबर के ये बंडल के बने होते हैं मसल्स हमारे, ये बंडल होते हैं। इस बंडल में ऐसे कई सारे बंडल हैं, उनसे मिलकर के मसल्स बना होता है। इस बंडल के अंदर भी फाइबर्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, इस बंडल के अंदर भी फाइबर्स होते हैं। और इस एक फाइबर को जब हम इस मसल के बंडलों में से जब हम एक फाइबर को निकालते हैं, तब हम उसकी जो एक्टिविटी, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो मैकेनिज्म है, उसके बेस पे हमारा मसल के हम कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्स की बात करते हैं। तो हम आइए हम एक जो है, मैं एक इसमें फाइबर को निकाल लेता हूं बाहर, एक फाइबर को जब मैं बाहर निकालता हूं तो उसमें मैं क्या पाता हूं, उसको मैं जब मैं देखता हूं तो उसमें मुझे दो तरह की चीजें मिलती हैं। उसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, उसमें दो तरह के बैंड होते हैं, एक को कहते हैं ए बैंड और एक को कहते हैं आई बैंड, ठीक है। तो ये कुछ जो मोटी बैंड्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ए बैंड किससे बना होता है, मायोसिन से, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ए बैंड है, पूरा का पूरा ये ए बैंड है, ये किससे बना होता है, मायोसिन से। और मायोसिन का बना होता है ये, और ये आपस में अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि हिले डुले ने इस जो इन्हें अटैच करता है उस लाइन को एम लाइन बोलते हैं, एम लाइन इन्हें अटैच करती है एक दूसरे से। इसी तरह दोस्तों कुछ ये जो बैंड होती है तो काफी डार्क होती है, ये बैंड काफी मोटी होती है, कुछ जो होती है बैंड जो होती है काफी हल्की होती है, कलर में काफी हल्की होती है, तो उस बैंड को हम क्या कहते हैं, आई बैंड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वो आई बैंड इस तरह से होता है, वो पतला होता है दोस्तों, मैं थोड़ा से पतला बना दूं ताकि दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं थोड़ा इसे पतला बनाता हूं। ये ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये जो होता है ये आई बैंड होता है। आई बैंड किसका बना होता है दोस्तों, एक्टिन का, आई बैंड एक्टिन का बना होता है, और ये भी आपस में अटैच होता है दोस्तों, जिसे जेड लाइन बोलते हैं, जेड लाइन इन्हें जोड़ के रखता है आपस में। ये दोनों तरफ ऐसे ही होंगे, ये दोनों तरफ ऐसे ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो होता है जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है क्या होता है, ये जो आई बैंड है, ये जो आई बैंड्स हैं, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, अंदर की तरफ आती है। तो ये जो आप लोगों को बीच में जो गैप, ये थोड़ा सा देखिए ओवरलैप करता है आई बैंड जो है, जब हम रेस्ट पोजिशन की बात करें तो थोड़ा सा ये ए बैंड को ओवरलैप करता है, इधर किनारे पे भी थोड़ा सा, दोनों किनारे पे थोड़ा थोड़ा ओवरलैप होता है, और बीच का स्पेस जो है वो खाली होता है ए बैंड का। तो जो स्पेस खाली होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम एच जोन कहते हैं। तो होता क्या दोस्तों, जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मैंने जो ये फिगर बनाया ये रेस्ट पोजिशन का है, जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तब क्या होगा, ये दोनों आई बैंड इस पर पूरी तरह ओवरलैप हो जाएंगे, पूरी तरह ओवरलैप हो जाएंगे। और इस तरह का कुछ देखिए, इस तरह का कुछ हमारे पास में
जो है ये ए बैंड है, कुछ इस तरह का हमारे पास में जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है पूरी तरह से, कुछ इस तरह की ये दिखाई देगा, समझ रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो एच जोन जो है वो पूरी तरह गायब हो जाएगा, ये होता है पूरा प्रोसीजर, ठीक है। और एक जो है ये जो जेड लाइन है, इधर भी जेड लाइन है और इधर भी जो आई बैंड को आपस में कनेक्ट करके रखेगी उसे भी क्या कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। तो इस जेड लाइन से जेड लाइन की बीच को एक यूनिट मानते हैं और इसे सार्कोमियर का नाम दिया जाता है दोस्तों। मैं थोड़ा सा ये छोटा सा टॉपिक होता है देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन का, पर इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि अगर इसे आप ढंग से समझेंगे नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा इसका, ये आप याद करके अगर आप सोचेंगे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपसे नहीं होने वाला है। तो ये थोड़ा सा समझने की चीज है। मैंने देखिए सारी चीजें क्लियर कर दी, क्या किसको हम ए बैंड बोलते हैं, किसको आई बैंड बोलते हैं, एच लाइन क्या होती है, एम लाइन क्या होती है, जेड लाइन क्या होती है, सार्कोमियर क्या होता है, किस समय किस पोजीशन में होते हैं, ये मैंने आपको सब बता दिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि जब हमें सारी चीजें पता होती है क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान होता है। तो क्या कह रहा है हमारा, विच वन इज पॉसिबल ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन रोड्स। तो देखिए ये रोड्स हैं, ठीक है, इनमें किसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। फिर कह रहा है फिक्स्ड एच जोन, कह रहा है कि एच जोन फिक्स रहेगा, क्या एच जोन फिक्स रह रहा है, नहीं, एच जोन देखिए ये है जो ओवरलैप, जो ए बैंड का जितना हिस्सा आई बैंड से ओवरलैप नहीं था उसको हमने एच जोन बोला था, लेकिन जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो बिल्कुल भी ऐसा हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बचा जो कि ओवरलैप्ड ना हो, पूरा का पूरा कवर कर दिया। तो एच जोन क्या है, धीरे धीरे घट करके बिल्कुल शून्य हो गया। तो क्या एच जोन में फिक्स रहेगा, नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं रहेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है, आई बैंड स्लाइडिंग, ठीक है, तो देखिए आई बैंड स्लाइड कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया, आई बैंड स्लाइड करता है। वैसे देखिए मोटा क्या स्लाइड कर सकता है पतले के ऊपर, नहीं कर सकता ना, पतला ही मोटे के ऊपर स्लाइड करेगा ना, तो ये जो पतलू है ये मोटू के ऊपर स्लाइड करता है, ये हमेशा याद रखेगा। तो जो आई बैंड है इसका, आई बैंड स्लाइडिंग इसका आंसर चला जाएगा। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है दोस्तों वो भी सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों वो क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस अकर्स ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस की बात हो रही है, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस मैं बता दूं सबसे पहले होता क्या है, दो तरह की डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलिटस जो होता है, डायबिटीज मेलिटस जो होता है उसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, इंसुलिन पे ये डिपेंड करता है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है ये। और डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये जो है इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है और ये इस पे डिपेंड नहीं करता। तो इंसुलिन, तो सबसे पहले बता दूं क्यों, क्या होता है इंसुलिन का क्या काम होता है, हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। हमारे जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज जो हमारा उसमें क्या है, दो तरह की सेल होती है, एक अल्फा एक बीटा। तो अल्फा सेल जो क्या है ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती है, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती है, और बीटा सेल जो होती है, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती है और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन निकालती है। तो इंसुलिन के ग्लूकेगॉन क्या करता है, ये ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाता है, ब्लड के, ध्यान रखिएगा मैं ब्लड बार बार बोल रहा हूँ, ब्लड के जो शुगर लेवल को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो हम डायबिटीज कब बोलते हैं, जब इंसान के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हम उसे डायबिटीज बोलते हैं। तो वो डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस, जिसमें कि जो जिनको भी ये बीमारी होती है वो इंसुलिन का इंजेक्शन या इंसुलिन की गोलियां खाते हैं, क्योंकि उनकी जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का ढंग से सिक्रेशन नहीं कर पा रही है, उसका श्रवण ढंग से नहीं कर पा रही है, तो इस कारण जो है हम उसे बोलते हैं कि डायबिटीज हो गया। पर ये सिर्फ डायबिटीज नहीं, वो डायबिटीज मेलिटस की बात कर रहे होते हैं हम। तो डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, तो डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है उस वही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, उसमें क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि जो ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है, ये दो हार्मोन का जो है सिक्रेशन करता है, एक तो इंसुलिन और दूसरा, एक तो इंसुलिन होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, वह सॉरी एक तो ऑक्सीड सॉरी 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 इंसुलिन नहीं दोस्तों, ये दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा क्या होता है दोस्तों, वैसोप्रेसिन, ठीक है, दो हार्मोन्स जो है ये सिक्रेट करता है। तो ये दोनों हार्मोन का आप जानते हो, ऑक्सीटोसिन का रोल आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि ऑक्सीटोसिन जो है प्रसव के समय जो है ये कॉन्ट्रैक्शन में, जो यूट्रस में जो है कॉन्ट्रैक्शन करने के काम आता है, जिसके कारण जो है
चाइल्ड बर्थ पॉसिबल हो पाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। अब वैसोप्रेसिन क्या करता है दोस्तों, तो वैसोप्रेसिन क्या करता है, इसे हम वैसोप्रेसिन को आप ये याद रखिएगा ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है इसे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है दोस्तों इसे। तो अगर हम नेफ्रॉन की बात करेंगे तो नेफ्रॉन में आप जानते हैं जब हम किडनी में नेफ्रॉन के पास जाते हैं तो ये PCT, फिर उसके बाद हेनले लूप और फिर DCT आता है और बाद में कलेक्टिंग ट्यूब आता है। तो इसने क्या करता है, DCT के पास क्या करता है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन क्या करता है, इसके सिक्रेशन के कारण जो है वो नेफ्रॉन से वाटर का एब्जॉर्प्शन काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, यूरिन में वाटर की क्वांटिटी घट जाती है और जो है हमारा यूरिन जो है वो गाढ़ा हो जाता है, कंसनट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, तो कह रहा है डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है दोस्तों, कि हमारा जो यूरिन है उसमें वाटर का जो क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब दिन भर ये समझिए इंसान को कई बार दिन में परेशान रहता है वो बाथरूम जा जाके, ठीक है। तो उसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके यूरिन में वाटर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे बार बार जाना पड़ता है। तो ऐसा किस कारण हो रहा है, क्योंकि वाटर का ढंग से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है नेफ्रॉन्स में, ठीक है, वाटर का ढंग से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। तो किस कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि वैसोप्रेसिन सही मात्रा में नहीं निकल रहा है बॉडी में से। तो वैसोप्रेसिन के सही मात्रा में नहीं निकलने के कारण जो है हमारा जो यूरिन है वो काफ़ी ज़्यादा तरल यानी कि काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड है, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडस किसके कारण होता है, किसके हाइपोसिक्रेशन कारण होता है। हाइपो मतलब जानते हैं जिसका सिक्रेशन जो है नॉर्मल लेवल से कम हो रहा है, और हाइपर मतलब नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो रहा है। तो हाइपोसिक्रेशन किसके कारण, तो ऑक्सीटोसिन कारण, जी नहीं, ऑक्सीटोसिन का इसमें कोई रोल ही नहीं है। थाइमोसिन, जी नहीं, थाइमोसिन का भी कोई रोल नहीं है, थाइमोसिन तो इम्यूनिटी में रोल करता है। इंसुलिन का मैंने बताई दिया इंसुलिन का क्या काम है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वैसोप्रेसिन, वही एक सही आंसर है। तो वैसोप्रेसिन जो है दोस्तों वो क्या करेगा, उसका जो सिक्रेशन अगर कम कर दिया हाइपोथैलेमस ने, तो अगर वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन अगर कम हो गया तो उसके कारण क्या होगा, वैसोप्रेसिन के कम सिक्रेशन के कारण क्या होगा, यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है नेफ्रॉन में वो घट जाएगा, जिसके कारण जो यूरिन में है वाटर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी, और इसी डायबिटीज को हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारे पांचों क्वेश्चन समाप्त हुए। मैं आशा करता हूँ ये पांचों क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे। ये इस पांचों क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था वो आप समझ पाए होंगे। आपका जो टॉपिक है इन क्वेश्चनों को लेते हुए जो मैंने टॉपिक को क्लियर करना चाहा था वो आपका क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, जो भी आपको इसमें अच्छा लगा या आप हमसे और क्या चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।